कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मेवा सिंह ने लाड़वा में अपना नामांकन भरा है। नामांकन से पूर्व बबैन के राव पैलेस में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बबैन से विशाल काफिले के साथ मेवा सिंह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए लाड़वा SDM कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किया। जी प्रधान जी, आप पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया, आप इस विश्वास कितने खरा उतरेंगे? कांग्रेस पार्टी ने तो मेरे ऊपर विश्वास जताया, इस विश्वास में मैं पूरा उतरने का काम करूंगा। और आप देख रहे हैं ये हजारों की संख्या में आज यहाँ पर लोगों ने जो आकर अपना प्यार आशीर्वाद मुझे दिया, इस हल्के की जनता यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जितवाकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। आप किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? लाड़वा में अनेक मुद्दे हैं, जैसे लाड़वा बाईपास की समस्या है, लाड़वा में कॉलेज की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और भारतीय जनता पार्टी इन अपने जो उन्होंने वायदे किए थे उनमें बिल्कुल नाकाम काम की अभी बिल्कुल फेल रही है। इस मुद्दों को उठाकर विधानसभा चुनाव लड़ने का काम। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार ने कितने विकास कार्य करवाए? भारतीय जनता पार्टी ने 154 वादे इस प्रदेश की जनता से किए थे और कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे वो लाड़वा बाईपास का वादा था, चाहे वो लाड़वा में कॉलेज बनाने का वादा था, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, कोई भी विकास कार्य नहीं किया, ये नहीं सिर्फ जुमलेबाजी करके अपना 5 साल बिता दो। नवी, अब आप अपना काफिला लेकर कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे? मैं अभी लाड़वा के SDM दफ्तर में जाकर अपना नामांकन भरूंगा। अर्थ प्रकाश के लिए लाड़वा से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।